हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन 27 जुलाई के हैं। हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना आरंभ की गई? तो इसमें आंसर आएगा सोलर योजना। और इस योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाएगी। यह पैनल खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती भी प्रभावित ना हो। और इस पैनल के लिए निजी कंपनियां किसानों को किराए के रूप में 1 लाख रुपये सालाना भुगतान करेगी और इस किराए में हर साल 6% का इजाफा होगा। और यह एग्रीमेंट किसान और निजी कंपनियों के बीच 25 साल के लिए होगा। इससे किसानों को पहले साल 1 लाख रुपये किराए के रूप में मिलेंगे और 25वें साल 4 लाख रुपये मिलेंगे। और किराए के साथ किसान को 1000 यूनिट बिजली मुफ्त भी दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी में तो इजाफा होगा और साथ ही दिल्ली सरकार को भी सस्ती दर पर बिजली मुहैया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा ग्रीन महानदी मिशन की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा पश्चिमी उड़ीसा स्थित सबलपुर जिले के दौरे में पौधारोपण करके ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की गई। ग्रीन महानदी मिशन एक वृक्षारोपण अभियान है और इसके तहत महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महानदी के किनारे हो रहे मृदा अपरदन को रोकना, यानी भूमि के कटाव को रोकना और ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना है। और इस मिशन का उद्देश्य महानदी के अस्तित्व को बनाए रखना और उसकी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार अब ऐसा होटल तैयार करने जा रही है जहां सिर्फ महिलाओं की एंट्री होगी और महिलाएं इस होटल को चलाएंगी। केरल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा होटल शुरू करने जा रहा है जो महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए ही होगा। और इस होटल का उद्देश्य होगा कि जो महिलाएं अकेले किसी बिजनेस ट्रिप या किसी दूसरे उद्देश्य से यात्रा करती है, उनको एक सुरक्षित जगह मिले। और इस होटल का नाम होगा होस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस से हथियारों की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर कौन सा प्रतिबंध न लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा कास्टा। कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका ने पिछले साल कास्टा पारित किया है जिसके तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसका अर्थ यह है कि जो देश इन देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते रखेंगे उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम से कमाई करने वाले अमीरों की सूची में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को टॉप रैंक हासिल हुआ? तो इसमें आंसर आएगा काइली जेनर को। काइली जेनर अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $10 लाख लगभग 7 करोड़ रुपये चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक लेख के अनुसार किस ग्रह पर जमीन के नीचे 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मंगल ग्रह पर या मार्स पर। यह झील दक्षिणी ध्रुव पर करीब 20 किलोमीटर के इलाके में फैली है। हालांकि यह पानी बर्फ की 1 किलोमीटर मोटी चट्टान के नीचे हो सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने यह जानकारी दी है। मंगल पर पानी की मौजूदगी तो पहले भी साबित हुई है, लेकिन पूरी झील होने के सबूत पहली बार मिले हैं। ऑर्बिटर के भेजे आंकड़ों का इटली के वैज्ञानिकों ने 3 साल तक अध्ययन किया है और इस दौरान उन्होंने पाया कि रडार द्वारा भेजी गई तरंगे
बर्फ को तो पार कर रही थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर वापस लौट के आ रही थी। इससे वह पानी के जलाशय होने की संभावनाएं बढ़ गई है। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई 2018 को किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा युगांडा की संसद को। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में कबीर महोत्सव 2018 का तीसरा संस्करण आयोजित होगा? तो इसमें आंसर आएगा कबीर महोत्सव 2018 का तीसरा संस्करण 16 नवंबर 2018 को वाराणसी में 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि कबीर की शिक्षा का प्रचार करने के लिए आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने हेतु ई प्रगति कोर पहल शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 26 जुलाई 2018 को राज्य का नाम बदलकर किस नाम को रखने का प्रस्ताव पास कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही राज्य सरकार नाम बदल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 40 अंडर 40 रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें किसे पहला रैंक मिला है? फॉर्च्यून पत्रिका ने कारोबार की दुनिया में 40 साल व उससे कम उम्र वाले प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में पहले पायदान पर फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम के उप संस्थापक केविन सिंड्रोम शामिल हुए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक है, दोनों पहले स्थान पर रहे हैं और दोनों के बीच टाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने वोडाफोन व किस अन्य टेलीकॉम कंपनी के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसमें आंसर आएगा वोडाफोन और आइडिया के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल डिसेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया और ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री है और सम्मेलन का उद्देश्य आदर्श देश के नेताओं को दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ मिलकर महात्मा गांधी व नेल्सन मंडेला के जुड़वा डाक टिकट जारी किए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा साउथ अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंग्लैंड का बार्मी आर्मी द्वारा इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इंग्लैंड का बार्मी आर्मी की तरफ से 2017 और 2018 के इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। बार्मी आर्मी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का फैन क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस राज्य में संचार क्रांति नामक योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य में और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने नागरिकों के बीच डिजिटल दूरी को कम करने के लिए संचार क्रांति योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार पूरे राज्य में लगभग 45 लाख स्मार्टफोन्स मुफ्त में वितरित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश भारत या इन्वेस्ट इंडिया को निम्नलिखित मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा निवेश इंडिया को भारत सरकार के
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, यूरोपीय संघ के वर्तमान प्रमुख है जीन क्लाउड जंकर। अमेरिका और यूरोपीय संघ व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव को बातचीत के जरिए हल करने और व्यापार युद्ध को पर रोक लगाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर की बुधवार को ही बैठक के बाद यह बात सामने आई है। दोनों नेताओं ने अटलांटिक में व्यापार में बाधा डालने वाले शुल्क और सब्सिडी को हटाने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने अंडर 19 क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया? तो इसमें आंसर आएगा, हम्बनटोटा में श्रीलंका के साथ अंडर 19 क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के युवा बल्लेबाज पवन शाह ने 282 रन बनाए और यह अंडर 19 युवा टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा दूसरा युवा अधीक्षक पुलिस सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी धोनी टच अनरेवलिंग दी एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी किताब के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, इस किताब के लेखक है भरत सुदर्शन और लेखक ने रांची में धोनी के अलग अलग रंग प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 फॉर्मूला वन जर्मन ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की आदिवासी जनसांख्यिकी को उजागर करने हेतु अपना पहला जनजातीय एटलस जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, असम और हरियाणा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।